दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार मशीन के आगे बाधा आ रही है। रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। ऑपरेशन सिलक्यारा को शुक्रवार को शुरू करने से पहले NHIDCL ने पार्सन कंपनी के जियो फिजिकल विशेषज्ञों से टनल के मलबे की मैपिंग कराई, जिसमें बताया कि अगले 5 मीटर तक कोई लोहे जैसा अवरुद्ध नहीं है। हालांकि उनकी मैपिंग का ये फॉर्मूला 1.5 मीटर बाद ही फेल हो गया। ऑंगर ड्रिलिंग मशीन के आगे बार बार आ रही बाधा के चलते अब मैनुअल अभियान चलता जाएगा। मैनुअल ड्रिलिंग में समय लग सकता है, इसके अंदर फंसे मजदूर भी खेवन हार बन सकते हैं। ये विचार कल से ही चल रहा है। तमाम व्यवधानों और उम्मीदों के बीच अब इस बात पर विचार शुरू हो गया है कि क्यों ना फंसे मजदूरों से ही अंदर की तरफ से 9 मीटर मलबा हटवा दिया जाए। दूसरा विचार यह चल रहा है कि ऑंगर मशीन की जगह मैनुअल कचरा हटाना शुरू किया जाए। लोहे का अवरोध आने से ऑंगर मशीन लक्ष्य से 9 मीटर पहले रुक गई, जिसके बाद अवरोधों को काटकर हटाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन इस बात पर भी विचार शुरू हो गया कि क्यों ना फंसे मजदूरों से ही अंदर की तरफ से 9 मीटर मलबा हटवा दिया जाए। अगर ये प्लान काम कर गया तो श्रमिक जल्दी बाहर आ सकेंगे। मुख्यमंत्री सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशलता के लिए बुधवार से मातली में ही डटे हैं। सरकारी कार्य बाधित न हो इसके मद्देनजर मातली से ही CM का अस्थायी कैंप कार्यालय संचालित हो रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जरूरी सरकारी फाइलों को देखा और उनका निपटारा किया। साथ ही उन्होंने मातली से ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शाम को मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा पहुंचकर वहां चल रहे रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया और अभियान में जुटी टीम से वार्ता कर आवश्यक जानकारी ली। राहत और बचाव कार्यों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेस्क्यू स्थल पर प्री कॉस्ट RCC बॉक्स, कलवर्ट और होम पाइप के जरिए सुरक्षा कैनोपी और एस्केप टनल बनाई गई है। इससे किसी भी आपात स्थिति में सुरंग के भीतर रेस्क्यू में जुटे लोगों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो सकेगी। सुरक्षा से जुड़ी अन्य विशेष हिदायतों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार भूस्खलन के मलबे में 25 मिलीमीटर की सरिया व लोहे के पाइप ड्रिलिंग में बाधा बने हैं। ऑगर मशीन के आगे आई बाधाओं को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। बर्मा निकालकर आगे आई बाधाओं को एक टीम पाइप में घुसकर गैस कटर से काट रही है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन शुक्रवार शाम 24 घंटे बाद चलेगी, लेकिन 1.5 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर लोहे का अवरोध आने से लक्ष्य से 9 मीटर पहले रुक गई। बचाव अभियान के 13वें दिन भी मजदूर बाहर नहीं निकल सके। आज 14वें दिन एक बार फिर मजदूर के सकुशल बाहर आने की उम्मीद जागी है। बता दें कि बृहस्पतिवार शाम 4 बजे से हिलने से ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। मरम्मत आदि में करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद मशीन 13वें दिन शुक्रवार शाम करीब 4:30 चली तो उम्मीदें फिर जग गई, लेकिन कुछ देर बाद ही रेस्क्यू टीमों को फिर झटका लग गया। NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि करीब शाम 6:40 की राह में फिर लोहे का अवरोध आने से काम रुक गया। अब तक मलबे में करीब 47 मीटर ही पाइप पहुंच पाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।